एवरीवन वेलकम टू सीआरएम टैरोट। सो गाइस कैसे हैं आप? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर करंटली आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। गाइस जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। एंड वन मोर थिंग अगेन, मैं कार्ड सरप्राइज ही लेती हूँ, सो आप ज़्यादा थिंक ना करें, ओवर थिंक ना करें कि मैम ये कार्ड तो रिवर्स में आया था, आपने अपराइट ले लिया। सो ज़्यादा टेंशन ना ले, दिमाग पे इतना जोर ना दे, ठीक है? इतना कष्ट क्यों देते हो आप दिमाग पे इतना? सो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। The chariot, okay. Seven of cups, cancer, pisces, scorpio, water sign, seven of swords, air sign, gemini, libra, aquarius and knight of cups and bottom of the deck की energy देखते हैं। wow, this sun, not bad huh? नॉट बैड इसलिए बोला क्योंकि बाकी के कार्ड्स कुछ नेगेटिव आए हैं। चलो ओवरऑल एनर्जी तो पॉजिटिव है। वो क्या बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, बस वही कुछ यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। चलिए अभी इनको क्लैरिफाई करते हैं। राम जी, एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया यहाँ पे? एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ओके, वन मोर कार्ड, डेफिनेटली गाइज यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी इशू लग रहा है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई एक लेडी है। देखो मैं हर बार हर वीडियो में किसी लेडी को बीच में नहीं लेके आती, लेकिन क्या करूँ, कार्ड्स मुझे दिखते हैं तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक ऐसी लेडी फिगर है इनकी लाइफ में, इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बट है जो कि इनको आपके साथ इस कनेक्शन में आने के लिए, जैसे मान लो कि जैसे डायरेक्ट वे में मना नहीं करती कि हाँ तुम उसके पास मत जाओ या फिर तुम इस कनेक्शन में आगे मत बढ़ो, ये अच्छी नहीं है, वो नहीं है, नहीं। यहाँ पे भले ही डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करके आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया जा रहा है इस लेडी की वजह से। मे बी इमोशनली इनको फूल बनाया जा रहा है, ठीक है? बट ये लेडी पता नहीं, मुझे एक मदरली नेचर दिख रहा है क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है। हो सकता है इनकी माँ है, ठीक है? सो ये उस इस कंट्रोल से बाहर निकलना चाहते हैं। ये वर्क कर रहे हैं खुद पे कि ये खुद पे इतना कंट्रोल कर सकें। जब इनके इमोशंस कंट्रोल में होंगे ना, तब कोई तीसरा इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बट यहाँ पे ये इमोशनली फूल बन रहे हैं। आपके पार्टनर को कोई भी आके फूल बना रहा है इमोशनली, रो धो रहा है, दो आंसू बहा दिए और आपके पार्टनर बस पिघल गए और उन्हीं में लग गए। और फिर इनको ये ध्यान नहीं होता कि कहीं ना कहीं आप इनसे हर्ट हो रहे हो। आपके ऐसे बिहेवियर से किसी दूसरे को खुश करने के चक्कर में ये आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक रीज़न मेरे को मिला। डेफिनेटली आपके पार्टनर इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, ये खुद पे वर्क कर रहे हैं ताकि ये आपको अप्रोच कर सके, ताकि इस एनर्जी से, ये जो फेमिनाइन एनर्जी है, ये जो नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है, इससे ये बाहर निकल सके। मैं पूरा नेगेटिव भी नहीं बोलूँगी, लेकिन नेगेटिव मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक इंसान अपने इमोशंस को फॉलो नहीं कर पा रहा है, उसके अपने ट्रू लव को फॉलो नहीं कर पा रहा, अपनी सोल की गाइडेंस को फॉलो नहीं कर पा रहा। किसकी वजह से? जो भी डिस्ट्रैक्ट है इस वक्त इनके लाइफ में, जो कि हमें एक लेडी मिली है, तो क्या वो सही है? मुझे तो नहीं लगता। जब एक इंसान अपना घर बसाना चाहता है, किसी इंसान को अप्रोच करना चाहता है, उसके साथ कनेक्शन में बढ़ना चाहता है, तो फिर उस तीसरे इंसान को क्या पड़ी है कि वो उसको मैनिपुलेट करके वहीं रोके? नहीं, फिर वो तो फिर कहाँ से अच्छे हुए? इसलिए मैंने नेगेटिव एनर्जी बताया है। ये जो थर्ड पार्टी थी ना, जो नेगेटिव एनर्जी, ये सिर्फ इनका फ़ायदा उठाते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करके। और आपके पार्टनर इमोशनली फूल है, डेफिनेटली फूल है। बट आगे क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे सेवन ऑफ, अरे पता नहीं मेरे को सेवन, अच्छा ये यहाँ पे सेवन सेवन टू टाइम्स आया है,
तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर पर केतु हावी है, जिसकी वजह से ये ना तो सच देख पाते हैं और ना, और आपके पार्टनर का क्या है, करना अच्छा चाहते हैं लेकिन हो गलत जाता है। यहाँ पे इंटेंशन इनके रोंग नहीं है, बस हाँ थोड़ा बिहेवियर इनका, नेचर ऐसा हो सकता है, बट सीरियसली इनके इंटेंशन नेगेटिव नहीं है आपको लेके। बस इनका अप्रोच करने का तरीका ये भले ही नेगेटिव हो सकता है। सो चलिए दी चैरियट की एनर्जी क्लैरिफाई करें। डेफिनेटली ये न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सडनली कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है गाइज। इनका कोई भी टेक्स्ट या कॉल आप बहुत जल्द रिसीव करेंगे और सडनली होगा ये, क्योंकि ये अभी रथ पे बैठ चुके हैं और इनका कॉन्सेंट्रेट आप पर है, आप इनके गोल हैं और ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें राम जी। दी लवर्स, गाइस इनके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस कैसे हैं? अच्छा ऑप्शंस ऐसे बोलूँगी मैं, कोई थर्ड पर्सन का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ऑप्शंस हैं कि हाँ मुझे, मेरे पास काम भी है, मेरे पास फैमिली भी तो है, मेरे पास मेरा करियर भी तो है, पहले इनसे निपट लूँ फिर आगे बढ़ूँगा। मतलब एक्सक्यूजेज हैं इनके पास बस, कि हाँ अभी अभी मेरी मजबूरी है, अभी मुझे मेरी फैमिली को भी देखना है, अभी मेरे काम को भी संभालना है, फिर देखते हैं फिर बढ़ेंगे आगे। मतलब यहाँ पे थॉट्स में तो डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं, सोच लिया है बस कि हाँ एक्शन लेना है, बट अगेन बहाने बनाते नज़र आ रहे हैं। जैसे इनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, इनके पास काम बहुत है गाइस, बहुत सा काम है, ये बिजी रहते हैं। सो देखेंगे वक्त निकाल के आएंगे आपकी तरफ, ऐसा इनका मानना है कि जैसे वक्त मिलता है वैसे आएंगे। जल्दी क्या, आप कहाँ जा रहे हो, ऐसा इनका अभी अभी इनका सोचना है। सो चलिए सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं राम जी। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओके गाइस, आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं, और ओके आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और आपका स्टेटस, आपकी डीपी, ये सब वगैरह देख के, और अगर आप अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग अपनी लाइफ पे फोकस्ड हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए। इनको रियलाइजेशन हो रही है कि शायद इन्होंने पास्ट में आपको खो के बहुत बड़ी गलती कर दी है। जैसे आप इनसे दूर हो रहे हैं, धीरे धीरे इनसे दूर जा रहे हैं, ये रियलाइजेशन इनको अभी हो रही है। और ये चुपके चुपके आपको देखते हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं अपने सामने से। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे इस इंसान को कोई परवाह ही नहीं है आपकी। जैसे इनके पास तो बहुत से ऑप्शन हैं, अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं और सही, लेकिन नहीं ये आपको स्टॉक करते हैं, इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें राम जी। वाह, सो कॉन्ग्रेट्स जो मेरे व्यूवर्स हैं, आपकी तरफ एक ऑफर आ रहा है, आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, फिलहाल चाहते हैं लेकिन बहुत जल्द ऑफर करेंगे, ठीक है। स्टार की एनर्जी आई है, एक होप है, एक इमोशन से भरा हुआ कप आपको देना चाहते हैं, मे बी अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन पास्ट जिन्होंने नहीं किया। कुछ लोगों के लिए अपोलॉजी हो सकती है, आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको हर्ट किया, इनको रियलाइजेशन है और ये आपसे सॉरी बोल सकते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इन शॉर्ट में कहूँ तो आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इनको डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। आप जिस एनर्जी में हो ना, वो चीज़ इनको अट्रैक्ट कर रही है, आपकी ये एनर्जी इनको अट्रैक्ट कर रही है, आपके ऑरा से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप सन की एनर्जी में हैं, जो दूर से बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, और ये आपकी वाइब को, स्पेशली आप जिस वाइब में अभी हो ना, इस वाइब को फील करना चाहते हैं ये आपके साथ। इनको पसंद नहीं है आप अकेले ग्रो करो अपनी लाइफ में, और इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे धीरे धीरे आपको लूज़ कर रहे हैं, और ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते।
भले ही इनके पास बहुत से बहाने हैं, और मैं सच्ची बता रही हूँ, ये डायरेक्ट आपको अप्रोच नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे, कोई ना कोई बहाना आपको देखने को मिलेगा इनकी तरफ से। मे भी बोल देंगे कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे ये काम था तुमसे, ऐसे वैसे। डायरेक्ट अप्रोच नहीं दिख रही, लेकिन हाँ डेफिनेटली अप्रोच ज़रूर करेंगे आपको। सन की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिविटी आ रही है इस कनेक्शन में। बहुत जल्द आप देखेंगे एक हैप्पीनेस आप फील करेंगे इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक इमोशनली एक ऑफर मिल सकता है। सो चलिए देखते हैं इनकी तरफ से एक मैसेज, सिर्फ एक देखूंगी। दिस इज नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, ओके, एंड आई जस्ट विश थिंग्स वर डिफरेंट। आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे कहना कि काश ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, और आप जिसको देख रहे हैं ना वैसे अभी ये इंसान नहीं रहे, ऐसा ये बोल रहे हैं। बल्कि हमने तो इनकी एनर्जी देख ली है, ये वैसे ही हैं जैसे पहले मैनिपुलेट करते थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ चेंजेस आपको इनके अंदर देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो गाइस ये थी छोटे से रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट किया, रेजोनेट किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय सियाराम।